हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न प्रदितिमन। तो सभी लोग आ चुके हैं, जो लोग नहीं आए हैं आप उन लोगों को वीडियो शेयर करिए। आप लोगों का टेस्ट है, आप सभी को पता है और सभी लोग जमकर तैयारी भी करके आए होंगे। सभी के पास मैटर पहुंच चुका है। जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं उन्होंने यूट्यूब से तैयारी करी है, और जिन लोगों ने पीडीएफ ले ली है तो वो लोग पीडीएफ से तैयारी कर रहे हैं। ओवरऑल तैयारी जो है वो होनी चाहिए, चाहे उसका तरीका कोई भी हो, ठीक है। यही हम लोगों का स्टार्टिंग से बोलना होता है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। और हमारे चैनल का बस यही है कि हमारे चैनल का नाम जो है वो आप लोगों के द्वारा ही आगे जाएगा, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हमारी तैयारी पहले की यदि आप लोगों के काम आ रही है, और आप लोगों की तैयारी जो है जिससे कि आप एग्जाम क्रैक कर पा रहे हो, तो इससे ज्यादा अच्छी बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक भौगोलिक विस्तार कितना है? तो फटाफट से ऑप्शन देखिए, 1024 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 986 किलोमीटर या 657 किलोमीटर। तो सोचिए, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक भौगोलिक विस्तार कितना है? अब तो आप लोगों के हाथ में पीडीएफ है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से आंसर दे सकते हैं। तो आंसर जो है वो इसका राइट है, देखिए 869 किलोमीटर, ठीक है। तो सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टू, राजस्थान के किन झीलों को 33 सागर का अवशेष नहीं माना जाता है? नहीं पर फोकस करना है। आना सागर झील, डीणवाना झील, पचपदरा झील या लूण करड़सर झील। तो 33 सागर का अवशेष जो है वो किन्हीं तीन झीलों को माना जाता है जो यहाँ पर मौजूद हैं, और एक झील जिसे 33 सागर का अवशेष नहीं माना जाता है, तो वो कौन सी है? तो अब तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं और सभी आंसर जो है वो फटाफट से लगा देते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है कि क्वेश्चन मैं पूछती हूँ और आप उसका सही आंसर देते हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? आना सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, राजसमंद झील के निकट कितने शिलालेख उत्कीर्ण है? राजसमंद झील के निकट कितने शिलालेख उत्कीर्ण है? 21 शिलालेख, 36 शिलालेख, 108 शिलालेख या 25 शिलालेख। तो ये क्वेश्चन हमने हिस्ट्री में भी किया था, आप लोगों को याद होगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर लगा लिया है। इसका सही आंसर जो है वो आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, 25 शिलालेख। राजसमंद झील के निकट 25 शिलालेख उत्कीर्ण है। राजसमंद झील का दक्षिणी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए, सिंह दुर्ग के नाम से, पांचना, नौ चौकी या विजय द्वार। राजसमंद झील का जो दक्षिणी भाग है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? तो देखिए इसका आंसर रहेगा नौ चौकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फाइव, किस नदी को वन की आसा कहा जाता है? किस नदी को वन की आसा कहा जाता है? चंबल नदी को, बनास नदी को, गंगा नदी को या सिंधु नदी को। तो आप लोग तो अब होशियार हो गए हैं और आंसर जो है वो फटाफट से दे देते हैं। तो बिल्कुल जिन्होंने सही आंसर किया है वो अपने आप को 1 मार्क्स दें और टिक करते जाएं कि हमने कितने सही किए हैं। बनास नदी ही है जिसे वन की आशा कहा जाता है। भारत की ऋतुओं व भारतीय साहित्य अनुसार हिंदी मास का सही मिलान नहीं है। वर्षा, बसंत, हेमंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, जिसमें वर्षा जो है वो श्रावण से भादो, बसंत चैत्र से बैसाख, हेमंत ऋतु मार्ग से पोष और ग्रीष्म ऋतु जेठ से आषाढ़। तो इनमें से कौन सा गलत मिलान है ये आपको बताना है।
तो देखिए बहुत ही आसान आप लोग कर सकते हैं कि ए ऑप्शन वर्षा सावन भादो, ठीक है, और ग्रीष्म जो है वो जेठ आषाढ़। तो बी और सी में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो लगाया आप लोगों ने हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष व पौष, ये गलत है, बाकी सभी सही है। मरुद्वित किसे कहा जाता है? मरुद्वित किसे कहा जाता है? तलाई क्षेत्र की वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, जलीय वनस्पति या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ नाम से देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है। चलिए 8 क्वेश्चन देखें। राजस्थान में आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 51, 33, 41 या 31? तो यह आंसर जो रहेगा वो रहेगा, जिसने याद किया है उन्होंने लगा लिया है, आंसर रहेगा 33 क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का भूगोल जो है वो आपने जो भौगोलिक स्थिति है उसे याद किया था पिछले वीडियो में भी। 65 डिग्री 7 मिनट से लेकर 90 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 61 डिग्री 7 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो बिल्कुल आंसर आप लोगों ने लगा लिया है। अब आप सही आंसर तक देखिए, आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अपरिपक्व मृदा किसे कहा जाता है? तराई क्षेत्र की मृदा को, वन क्षेत्र की मृदा को, पर्वतीय क्षेत्र की मृदा को या नदी घाटी क्षेत्र की मृदा को? अपरिपक्व मृदा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी है, पर्वतीय क्षेत्र की मृदा को। रचना विधि के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? स्थानीय, विस्थापित, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? रचना विधि के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? क्या केवल स्थानीय या केवल विस्थापित, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यह आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहा जाता है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाओस, कंपोज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो सबने सही लगाया है, कंपोज। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? फटाफट से ऑप्शन देखिए, 11,245 किलोमीटर, 5,615.7 किलोमीटर, 9,152.5 किलोमीटर या 7,516.6 किलोमीटर? तो देख लीजिए यहां पर जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर। बृहद हिमालय के प्रमुख शीर्ष पर्वत कौन से हैं? बृहद हिमालय के प्रमुख शीर्ष पर्वत कौन से हैं? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा या उपरोक्त सभी?
तो राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न तो है, बीच बीच में भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न जो है वो भी इसमें है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम ये आता नहीं है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जिस यूनिट की तैयारी की थी तो वो चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमें इसका नहीं आता है। तो यहाँ जो शीर्ष पर्वत है वृहद हिमालय का, वो क्या है? नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा, ये तीनों ही शीर्ष पर्वत वृहद हिमालय के हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है, सबको याद है ये, तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गुरु शिखर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को याद है, यहाँ तो टाइम ही नहीं लगेगा और सबका ही सही है कंचनजंगा। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, और विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। किन धर्म ग्रंथों में वृक्ष काटने को अपराध व इस हेतु दंड विधान बताया गया है? विष्णु धर्म सूत्र में, स्कंद पुराण में, याग वल्क्य में, स्मृति में या उपरोक्त सभी? तो देखिए ज्योग्राफी में है, लेकिन इसी को एग्जाम में इतिहास से संबंधित पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो आंसर है वो है कि विष्णु धर्म सूत्र, स्कंद पुराण, याग वल्क्य स्मृति, इन तीनों में ही वृक्ष काटने को अपराध बताया गया है और इस हेतु दंड का प्रावधान भी बताया गया है। राजस्थान राज्य का प्रमुख अभयारण्य राम सागर किस जिले में स्थित है? धौलपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या कोटा में? राजस्थान राज्य का जो प्रमुख अभयारण्य है राम सागर, वो किस जिले में स्थित है? धौलपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा। देखिए ये जो अभयारण्य लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर कई बार आधा भा भा जो है वो आधा लिख देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, तो शब्द शुद्धि के हिसाब से आप लोग देखिएगा, अभयारण्य इस तरीके से लिखा जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है करेक्ट है, धौलपुर। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? चिनाब, यमुना, व्यास या रावी? तो आप लोगों को याद है बहुत अच्छे से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां, तो इनमें से एक जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है सभी का सही है कि जो यमुना है वो तो किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। नीलगिरी की पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पठार के किस भाग का हिस्सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो भारतीय प्रायद्वीप पठार के किस भाग का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, पूर्वी पश्चिमी घाट के मध्य या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो है वो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, यमुना किस प्रसिद्ध नगर के निकट गंगा में गिर जाती है? हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी या पश्चिमी बंगाल? यमुना जो नदी है वह किस प्रसिद्ध नगर के निकट गंगा में गिर जाती है? तो ये गंगा में कहाँ मिलती है, जहां पर संगम लगता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, सभी बच्चों को सबका ही सही होना चाहिए ये कि जो यमुना है वह है, कहां मिलती है गंगा में? इलाहाबाद में। विश्व का फालोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरी वनों को, टैगा वनों को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? सेवंथ और एट्थ यूनिट जो है वो भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल दोनों से संबंधित है। दोनों में से सभी के प्रश्न जो है वो आप लोगों को आने चाहिए। तो विश्व का फालुद्यान जो है वो जिसने ए ऑप्शन को लगाया है बिल्कुल सही है, भूमध्य सागरीय वनों को। बनिहाल दर्रा स्थित है लघु हिमालय,
वृहद हिमालय, उप हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो बनिहाल दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? लघु हिमालय, वृहद हिमालय, उप हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर लघु हिमालय है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? गुजरात की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की? सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो जिसने भी लगाया है ऑप्शन नंबर डी को, तो वो सभी सही हैं कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहा जाता है? तो स्टेप बेल्स जो है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान में जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को, जालौर को, बूंदी को? सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के निवासी होने के नाते सभी जानते हैं इसका आंसर, ये कहा जाता है बूंदी को। उद्यान फसलें किसे कहा जाता है? फल व सब्जी की खेती को, फूलों की खेती को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन जो हैं वो निकाले हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 7th और 8th यूनिट को आप बार बार रिवाइज करिएगा ऑप्शन के द्वारा। तो उद्यान फसलें कहा जाता है, देखिए फल और सब्जी इनकी खेती को, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सरसों उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर जो है वो रहेगा राजस्थान। नेक्स्ट देखिए 27 क्वेश्चन है कि भारत का बॉक्साइड अयस्क के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला या पांचवा? भारत का बॉक्साइड अयस्क के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला या पांचवा? तो बिल्कुल बॉक्साइड में भारत का है पांचवा स्थान। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को, महाराष्ट्र को, केरल को या कर्नाटक को? खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर जो है वो खोजा जा सकता है कि यहाँ पर यदि झारखंड या बिहार होता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, मध्य प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पर तो सीधे दिखाई दे रहा है कि खनिजों का अजायब घर जो राजस्थान को कहा जाता है, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक को नहीं। लिग्नाइट में कोयले की कितनी मात्रा पाई जाती है? 90% से अधिक, 35 से 50% से अधिक, 70 से 80% से अधिक या 35% से कम? तो लिग्नाइट में कोयले की कितनी मात्रा पाई जाती है? 90 से अधिक, 35 से 50, 70 से 80 या 35% से भी कम? तो यहाँ पर जो है वो आंसर आपको देखना है, सही आंसर याद कर लीजिए, 35 से 50% से अधिक जो है वो लिग्नाइट में कोयले की मात्रा पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, दौसा या अलवर?
तो आंसर जो है वो है जयपुर। चलिए सबका सही है, वेरी गुड। राजस्थान रोड विजन 2025 के अनुसार कितने वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की उद्देश्य रखा गया है? किसके अनुसार? राजस्थान रोड विजन 2025 के अनुसार 25 वर्ष में, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में या 10 वर्ष में? तो इसका आंसर है 15 वर्ष में। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में या कर्नाटक में? तो कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो फटाफट से लगाइए इसका आंसर कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर उसी वक्त लगाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें याद रहता है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं तो वहां पर हम ऑप्शन इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो बिल्कुल आंसर क्या है? गुजरात। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहां से कहां तक है? सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, लखीमपुरा से भांगा, जियोनांखली से पारादीप। तो सभी आंसर लगाया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, लखीमपुरा से भांगा। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले को मोरी क्रिक को एक चैनल से जोड़कर अंतरदेशीय बंदरगाह का निर्माण की योजना है? बाड़मेर, उदयपुर, जालौर या कोटा? तो इसका जो राइट आंसर है जो आप लोग लगा रहे हैं, देखिए अब देखिए इसका सही आंसर, आंसर है जालौर। चलिए नेक्स्ट देखिए 35। राजस्थान में राज्य सड़क विकास नीति किस वर्ष आई? 1948 में, और 2013 में, 2002 में या 1994 में? तो सही आंसर पर पहुंच गए हैं कुछ बच्चे, तो देखिए तो इसका सही आंसर जो है वो है 2013। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत कितनी लेन वाली सड़कों का निर्माण करने का संकल्प किया गया था? 4 लेन वाली सड़क, 8 लेन वाली सड़क, 6 लेन वाली सड़क या 12 लेन वाली सड़क? स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत कितनी लेन वाली सड़कों का निर्माण करने का संकल्प किया गया था? तो आंसर रहेगा इसका सही 6 लेन वाली सड़कें। उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत सड़क निर्माण कहां से कहां तक निर्मित किया गया है? उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत सड़क निर्माण कहां से कहां तक निर्मित किया गया है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर, दिल्ली से चेन्नई या संगरूर से अकोला? तो आप लोगों ने लगा लिया है आंसर, अब इसका सही आंसर जो है वो देखिए, जिनका सही है वेरी गुड, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पत्तनों का प्रकार नहीं है, वाणिज्यिक पत्तन, औद्योगिक पत्तन, विस्तृत पत्तन या लघु पत्तन? तो इसका सही आंसर जो है वो है लघु पत्तन, पत्तनों का प्रकार नहीं है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी बंगाल, केरल,
कर्नाटक या तमिलनाडु? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है। दोबारी से उदयपुर जाने वाली पाइपलाइन किस पदार्थ के परिवहन से संबंधित है? पेट्रोलियम से, द्रवीकृत कोयला से, सीसा व जस्ता से, या इनमें से कोई नहीं। दोबारी से उदयपुर जाने वाली पाइपलाइन किस पदार्थ के परिवहन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा? सीसा व जस्ता। तो हम लोगों ने आज दोबारा से 40 क्वेश्चन किए हैं यूनिट 8 से। तो देखिए इस तरीके से हमने एक एक करके सभी यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली है। हम लोगों ने काफी क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, ठीक है। 11 यूनिट जो है वो कंप्लीट की है और हर यूनिट को हमने 40 या 50 प्रश्न जो है वो किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने 500 से अधिक प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कर ली है और आप लोगों को तो पता भी नहीं चला। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।